हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ स्टाइलिंग टिप्स के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे टॉलर दिखने में। यानी कि इफ़ यू आर समवन जिसकी हाइट थोड़ा सा कम है एंड यू रियली लव्स टू वेयर इंडियन क्लोथ्स, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग से टिप्स आज मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। यस, वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले स्टाइलिंग टिप के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है बॉर्डर प्रॉब्लम। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस पे कभी किसी का ध्यान नहीं जाता, मेरा तो नहीं जाता था, आई एम डैम श्योर कि किसी का भी नहीं जाता होगा। तो होता क्या है कि मोस्टली इंडियन आउटफिट्स में बॉर्डर होता ही है, एंड स्पेशली इफ़ यू आर वेयरिंग समथिंग फेस्टिव तो उसमें तो डेफिनेटली आपको बॉर्डर मिलेगा ही, एंड यू हैव टू अवॉइड ब्रॉड बॉर्डर्स। एंड उसके बजाय आप बिना बॉर्डर वाला सूट अपने लिए बनवाइए, उसमें आपके सूट को ज़्यादा स्पेस मिलेगा, आपकी बॉडी को भी ज़्यादा स्पेस मिलेगा एंड आप ओवरऑल इलोंगेटेड नज़र आओगे एज कम्पेयर टू द बॉर्डर्ड वन। नाउ नेक्स्ट स्टाइलिंग टिप इज़ फॉर नेकलाइन। नेकलाइंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गर्ल्स, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके ओवरऑल लुक को क्रिएट करने में। आपको कॉलर वाली नेकलाइन या फिर जो बोट शेप वाली नेकलाइन अवॉइड करनी है। जो भी नेकलाइन आपकी नेक को हाइड करती है उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको प्रेफर करना है ऐसी नेकलाइन जो सेमी डीप होती है, यानी कि आपके राउंड शेप की नेक हो गई या फिर आपकी यू शेप की नेक हो गई। ये आपको बहुत अच्छे से आपकी नेक को फ्लॉन्ट करेगा और उससे आपकी नेक भी लंबी नज़र आएगी और उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल बॉडी की लेंथ भी ज़्यादा नज़र आएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इसे ज़रूर ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ योर बॉटम वेयर। अगर हम बात करते हैं बॉटम वेयर की, तो अगर आप सलवार को पेयर अप करते हो अपने किसी भी कमीज के साथ, तो आपकी जो हाइट है वो थोड़ा सा जितनी है नॉर्मली उतनी ही नज़र आती है, फिर हल्का सा उससे भी थोड़ा सा कम नज़र आती है। कंपैरेटिवली अगर आप उसकी जगह चूड़ीदार या फिर लेगिंग्स को पेयर करते हो तो वो आपको ज़्यादा इलॉन्गेटेड दिखाती है, क्योंकि उससे आपकी लेग्स ज़्यादा लॉन्गर नज़र आती है। अलॉन्ग विद दैट आप प्लाजो पैंट्स भी ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा इलॉन्गेटेड इफेक्ट देती है। रीज़न इज़ उनकी हेम लाइंस एंड उनका फ्लोई कट कुछ इस तरीके से बना होता है कि आपकी ओवरऑल हाइट काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। नेक्स्ट इज कलर्स। ऑलवेज कीप द कलर्स इन योर माइंड। जितने भी डार्क शेड्स होते हैं कलर्स के, लाइक ब्लैक कलर हो गया, फिर डार्क रेड, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, कोई भी डार्क शेड हो गया किसी भी कलर का, वो दैट विल कट आउट सम इंचेस फ्रॉम योर विड्थ। तो उससे क्या होगा कि आपकी, क्योंकि विड्थ थोड़ा कम नज़र आएगी, उसकी वजह से आपकी ओवरऑल हाइट थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आएगी। एंड ये चीज़ हमने पहले भी कई बार वीडियोज़ में डिस्कस की है कि जितने भी डार्क कलर्स होते हैं वो आपको स्लिमिंग इफेक्ट भी देते हैं, प्लस साथ के साथ आपकी बॉडी को भी टॉलर दिखाते हैं। तो दोनों ही चीज़ों के लिए ये बड़ी काम की चीज़ है, आप इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट लेंथ ऑफ योर कुर्ता। अगर आपको इलॉन्गेटेड इफेक्ट क्रिएट करना है तो द कुर्ता शुड एंड समवेयर अराउंड योर काफ मसल्स और मिडवे अराउंड योर काफ मसल्स, बिकॉज एक लॉन्ग कुर्ता हमेशा आपको इलॉन्गेटेड लुक देगा एंड अपेरेंटली आप उससे टॉलर नजर आओगे। सो ये थे कुछ फ्यू पॉइंट्स, आई होप ये आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं। और अब बारी आती है मामा अर्थ के विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम एंड विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन की। रोज़ का जो हमारा रूटीन होता है नॉर्मली, वो इतना हैक्टिक हो जाता है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता स्किन केयर के लिए, एंड रिजल्ट ये होता है कि स्किन बहुत डल लगने लग जाती है। एंड स्पेशली अगर आप अपने 30s में हो तो आपकी स्किन जो है उसको बहुत केयर की ज़रूरत पड़ती है, बट केयर ना मिलने की वजह से स्किन बहुत डल हो जाती है। तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम विच इज़ फ्रॉम मामा अर्थ ब्रांड। तो ये बहुत ही लाइट वेट है, इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है दैट इज विटामिन सी एंड टर्मरिक। वी ऑल नो कि विटामिन सी हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है, अच्छी सी ब्राइटनिंग देता है स्किन को, एंड टर्मरिक एक अच्छा सा ग्लो देता है स्किन को। तो ओवरऑल डेली रूटीन के लिए क्रीम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है, बहुत लाइट वेट है एंड इसको अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। तो देखो, हमें हर किसी को डेली रूटीन में ग्लो भी चाहिए होता है, बट हम मेकअप भी नहीं करना चाहते हैं, हैवी मेकअप भी हम रोज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे तो ये क्रीम बहुत ही बेस्ट लगी। मैं रोज़ इसको नहाने के बाद, अपने मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करने के बाद इस क्रीम को ज़रूर यूज़ करती हूँ। साथ में मैं यूज़ करती हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन, तो दोनों में मुझे एडिशनल जो विटामिन सी का बेनिफिट है वो मिल जाता है। तो आप भी इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। मामा अर्थ इज़ एन इंडियन और प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, ऑल्सो इसके सब प्रोडक्ट्स होते हैं बिल्कुल केमिकल
केमिकल फ्री एंड ऑल आर नेचुरल। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स को आप खरीद सकते हो Amazon, पर्पल, नायका, फ्लिपकार्ट या फिर मामा अर्थ की ऑफिशियल ऐप से भी। उसके अलावा आप मामा अर्थ की वेबसाइट से भी नहीं खरीद सकते हो, खरीदते टाइम आप यूज कर सकते हो मेरा कूपन कोड दैट इज 2020 2023। कूपन कोड यूज करने से आपको डायरेक्ट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा इसके MRP पे। ऑल्सो आपको नियर बाय स्टोर भी अब तो इसके अवेलेबल हो गए, वहां से भी आप खरीद सकते हो। प्रोडक्ट्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो प्लीज डू चेक इट आउट।